दोस्तों आज हम जानेंगे सहजीवी जीवाणु के बारे में, यानी मतलब सिम्बायोटिक्स बैक्टीरिया के बारे में। तो सिम्बायोटिक्स बैक्टीरिया का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है अपनी मिट्टी प्लस अपने पौधे के लिए, फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं इसके बारे में, सहजीवी जीवाणु के बारे में, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, तो सहजीवी जो जीवाणु होता है दोस्तों उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। और सबसे पहले जानते हैं सहजीवी नाम क्यों दिया गया, सहजीवी जीवाणु क्यों कहा जाता है। सहजीवी इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये जो जीवाणु होते हैं ये फसल की जो फसल होती है, फसल के यानी मतलब पौधा होता है, पौधे की जड़ों के अंदर रहते हैं और जड़ों के अंदर रहने के बाद ये अपना जीवन यापन वहीं पे करते हैं और एक दूसरे के लिए, जैसे कि जो पौधा होता है, पौधे के लिए अगर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो कुछ पोषक तत्व हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं पौधे के लिए, और कुछ पोषक तत्व अगर बैक्टीरिया को जरूरत है तो वो प्लांट से लेता है। तो एक दूसरे के लिए पोषक तत्वों का क्या है, आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या है, साझा करते हैं, जिससे कि एक दूसरे के जीवन में एक सहयोग मिलता है, जीवन जीने के लिए एक सहयोग मिलता है। तो इसके लिए क्यों, इसीलिए बोला गया सहजीवी जीवाणु, एक दूसरे की लाइफ साइकिल में सपोर्ट करना या सहयोग करना। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ये जीवाणु जो होते हैं दलहनी फसलों की जड़ों में, जो जड़ होती है, जड़ों के रोबों को, कोशाओं को तोड़ के ये अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद में ये कोशाएं इन जीवाणुओं को अपने अंदर बिल्कुल ढक लेती हैं। जब ये अंदर पहुंचते हैं तो वो क्या है, अंदर ढक लेते हैं। जब अंदर, जब जैसे ही पहुंचते हैं ये, तो जहां स्थान, जिस स्थान पे ये पहुंचेंगे तो उस स्थान पर क्या है, हल्की सी ग्रंथियां उभर आती हैं। आप देखते हैं कि हल्की हल्की गांठे टाइप की बन जाती है। आप देखेंगे कि जब स्टार्टिंग होती है वहां पे, स्टार्टिंग के समय क्या है, हल्की हल्की गांठे टाइप की बन जाती है और जैसे जैसे लंबा समय होता चला जाता है तो वहां पर क्या है, वो गांठे और बड़ी होती चली जाती है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन रहती है। और इनकी जो बात करें, ये ग्रंथियां जब भीतर ही अपने अपने जो जीवाणु जो हमारे होते हैं ये ग्रंथियों के ही भीतर अपनी वृद्धि करते रहते हैं, वहीं पे अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इन जीवाणुओं को अगर भोजन की आवश्यकता होती है तो मैंने बताया ये क्या है, प्लांट के द्वारा ही लेते हैं, पौधे के द्वारा लेते हैं। ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो क्या है, पौधे से लेते रहते हैं। इनकी बात करें दोस्तों कि जो बैक्टीरिया जो हमारे होते हैं इनको बेनिफिशियल क्यों कहा गया, ये क्या है दोस्तों, ये वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसको क्या है, एकत्रित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और क्या है, प्लांट को देते हैं। अब प्लांट को भी देते हैं प्लस प्लांट से देने के बाद में क्या है दोस्तों, जो प्लांट को अगर एक्स्ट्रा मिल रही है, प्लांट को नहीं चाहिए कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना ही पेट मेरा ओवरलोड हो गया, तो वो क्या है, वो क्या करेगा, वो उसकी जड़ पे क्या है, स्टॉक कर लेगा। ठीक है, वो अपने क्या है, घर में रख लेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्टॉक करने की भी कैपेसिटी इसके अंदर होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को ले रहे हैं और उसमें स्टॉक करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेहतर चीज होती है। ये जो जीवाणु होते हैं इनकी आयु जो होती है वो बहुत कम समय की होती है, कुछ ही घंटों के लिए होती है, तो ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीवित रहते हैं। और दूसरी मैं बता दूं, जब आप कोई देखते हैं कि लोग क्या है, हरी खाद बुवाई करते हैं, कभी ढेंचा बुवाई कर रहे हैं, सनी बुवाई कर रहे हैं, कभी उर्द बुवाई कर रहे हैं, कभी मूंग कर रहे हैं, इस तरह इन चीजों की हरी खाद के रूप में इनको उगाया जाता है। तो इनको उगाने के बाद में क्या है, उसको कटवा देते हैं। ठीक है, उसको हैरो चलवा के उसको कटवा देते हैं और वो क्या है, कुछ समय बाद उसमें गल जाता है, सड़ जाता है। अब दोस्तों जब गलता है, सड़ता है तो क्या होता है, जो इसकी जड़ों पर जो नाइट्रोजन एकत्रित हुई थी वो क्या है, जब जुताई होती है, गलता है, सड़ता है, तो वो क्या है, मिट्टी में स्थापित हो जाती है। और मिट्टी में जब स्थापित हो जाती है, जब आप नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे, जब आप अगली फसल लगाते हैं, तो वो क्या है, वो जो नाइट्रोजन स्थापित हो गई थी, जो मिट्टी में फिक्स हो गई थी, उसको क्या है, नेक्स्ट क्रॉप को सारा नाइट्रोजन मिल जाएगा। ये सारे जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे मिट्टी के अंदर, वो क्या है, नेक्स्ट क्रॉप को मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्रॉप जब आप लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे आप फसल को जब लगाएंगे तो बहुत ही हरी भरी रहती है आपकी फसल और उस फसल के अंदर बीमारियां भी कम लगती हैं। वो क्यों लगती हैं, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो मिट्टी के अंदर पहले से ऑलरेडी बहुत अच्छी हो जाती है, तो इसलिए आपकी फसल में ग्रीननेस, पत्तियों में हरापन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो इसीलिए उसमें क्या है, बीमारियां भी कम आती है।
अब बात करें दोस्तों, ये जो सहजीवी जीवाणु जो होते हैं वो राइजोबियम प्रजाति से संबंधित है। जितने भी जो बैक्टीरिया है वो राइजोबियम प्रजाति से है। और ये जो आप ज्यादातर फसलें लगाते हैं जैसे कि सनई है, ढेंचा है, मूंगफली है, उर्द है, अरहर है, मूंग है, इत्यादि फसलें आप लगाते हैं, मतलब इस तरह की ज्यादातर ये फसलें लगाते हैं, तो इनमें क्या है, ये जितने हमने बताया राइजोबियम प्रजाति के बैक्टीरिया ज्यादातर होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी जानकारी। ये बैक्टीरिया के बहुत ही बेनिफिट होते हैं, इनको आपको हरी खाद लगाना जरूरी होता है, आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, अदर भी कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, तो इनका बहुत ही ज्यादा मिट्टी के अंदर रोल है। तो ऐसे ही वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर कीजिए।